हेलो एवरीवन, आई एम अर्पिता। वेलकम टू रूम टू ज्योग्राफी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे नेशनल पार्क इन गुजरात। तो गुजरात में मेनली क्या क्या नेशनल पार्क है वो पहले देखते हैं। फोर इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क हम गुजरात में देखते हैं। एक है गिर नेशनल पार्क, दूसरा है मेरिन नेशनल पार्क जो गल्फ ऑफ कच्छ में है, तीसरा है ब्लैकबक नेशनल पार्क एंड फोर्थ है वांसदा नेशनल पार्क जो सबसे स्मॉलेस्ट है एंड सबसे बिगेस्ट है। एरिया वाइज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सबसे बिगेस्ट जो नेशनल पार्क है गुजरात में वो है गिर नेशनल पार्क एंड जो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है गुजरात में वो है वांसदा नेशनल पार्क। और एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है यहाँ पे, क्या है, मेरिन नेशनल पार्क जो इंडिया का फर्स्ट मेरिन नेशनल पार्क हुआ था वो ही यहाँ पे गल्फ ऑफ कच्छ मेरिन नेशनल पार्क जो है इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क। तो ये एक इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क गया इधर से। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है वो है गिर नेशनल पार्क क्योंकि ये है बिगेस्ट, ठीक है, ये है बिगेस्ट नेशनल पार्क। एंड मेरिन नेशनल पार्क जो है ये फर्स्ट मेरिन नेशनल पार्क इन इंडिया, फर्स्ट मेरिन नेशनल पार्क इन इंडिया। एंड स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क फ्रॉम गुजरात जो है वो है वांसदा, ये है स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क, ये है स्मॉलेस्ट। तो यहाँ से ये थ्री इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है एंड ब्लैकबक नेशनल पार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम मेनली दो इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस करेंगे, एक है गिर नेशनल पार्क और एक है ब्लैकबक नेशनल पार्क। तो इन डिटेल हम ये दो नेशनल पार्क के बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं, पहला है गिर नेशनल पार्क, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या चीज है। पहले हम देख लेते हैं मैप में ये जो चार नेशनल पार्क है वो कहाँ कहाँ पे है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मेरिन नेशनल पार्क ये मेनली ये गल्फ ऑफ कच्छ का जो एरिया है, ये जो एरिया है ग्रीन करके यहाँ पे है, ये एरिया है मेरिन नेशनल पार्क। एंड ब्लैकबक नेशनल पार्क है यहाँ पे एंड गिर नेशनल पार्क है यहाँ पे एंड वांसदा जो स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है गुजरात का वो है यहाँ पे। तो आज मेनली हम डिस्कस करेंगे अबाउट गिर एंड ब्लैकबक। तो गिर नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये नेशनल पार्क भी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ऑल्सो नोन एज सासन गिर। क्या है इसका और एक नाम क्या है, सासन गिर इज अ फॉरेस्ट नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नियर तालाला गिर इन गुजरात इंडिया। तो ये एक फॉरेस्ट भी है, एक नेशनल पार्क भी है एंड एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है जो गुजरात के तालाला गिर जो है वहां पे सिचुएटेड है। इसका और एक नाम क्या है, हमने अभी कहा सासन गिर। तो गिर नेशनल पार्क एक फॉरेस्ट है, एक नेशनल पार्क है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है एंड इसका दूसरा एक नाम है सासन गिर, कहाँ पे सिचुएटेड है, तालाला गिर इन गुजरात इंडिया। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ये लोकेटेड 43 किमी नॉर्थ ईस्ट ऑफ जूनागढ़, ये नहीं होगा जूनागढ़ होगा, एंड 65 किमी साउथ ईस्ट ऑफ जूनागढ़ एंड 60 किमी साउथ वेस्ट ऑफ अमरेली। तो ये जो जूनागढ़ जो एरिया है यहां से नॉर्थ ईस्ट में 43 किमी दूर ये लोकेटेड है, साउथ ईस्ट में 65 किमी दूर ये लोकेटेड है एंड अमरेली से साउथ वेस्ट में 60 किमी दूर ये लोकेटेड है। एस्टैब्लिश्ड इन 1965, ये बना था 1965 में इन द ईस्ट वाइल नवाब ऑफ जूनागढ़ प्राइवेट हंटिंग एरिया, जो जूनागढ़ का जो नवाब था उसका जो प्राइवेट हंटिंग एरिया था उस जगह पे ही मेनली ये गिर नेशनल पार्क बना था। इसका टोटल एरिया कितना है, टोटल एरिया है 1410.30 स्क्वायर किलोमीटर जिसके अंदर नेशनल पार्क है 258.71 स्क्वायर किलोमीटर एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 1151.59 स्क्वायर किलोमीटर। तो टोटल एरिया है इसका 1410.30 स्क्वायर किलोमीटर, ये है टोटल एरिया। नेशनल पार्क है इसके अंदर 258.71 स्क्वायर किलोमीटर एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है 1151.59 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो पहला स्लाइड है यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है वो क्या क्या है, एक तो इसका दूसरा नाम क्या है, ये एक सासन गिर एंड कहाँ पे सिचुएटेड है, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस जगह पे ये सिचुएटेड है एंड एरिया कितना है, टोटल एरिया कितना है इसके अंदर जो नेशनल पार्क है इसका एरिया कितना है एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसका एरिया कितना है, ये इंपॉर्टेंट है एंड कब ये एस्टैब्लिश हुआ था ये भी इंपॉर्टेंट है।
स्टैब्लिश डेट ये भी इम्पोर्टेंट है, तो फर्स्ट स्लाइड में ये गया इम्पोर्टेंट चीज। नेक्स्ट देखते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ खातीरड गिर ड्राई डेसीडुअस फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो ये किसका पार्ट है, ये गिर ड्राई डेसीडुअस जो फॉरेस्ट इको रीजियन है इसका पार्ट है। गिर नेशनल पार्क इन गुजरात इज द ओनली प्लेस इन द वर्ल्ड वेयर वी कैन सी द एशियन लायन प्लेइंग इन द नेशनल फॉरेस्ट। तो गिर मेनली किसके लिए फेमस है, ये जो गिर नेशनल पार्क ये एक ओनली प्लेस है वर्ल्ड में जहां पे हम देखते हैं क्या एशियन लायन जो नेचुरल फॉरेस्ट एरिया में घूमते हैं, मतलब नेचुरल फॉरेस्ट एरिया में रहता है। तो एशियन लायन के लिए एक ओनली प्लेस है ये गिर जो नेशनल पार्क है जो गुजरात में है इन द वर्ल्ड। तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये पॉइंट यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है। गिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क इज वन ऑफ द 7 प्रोटेक्टेड एरिया सिलेक्टेड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन थ्रू द इको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। तो ये इको डेवलपमेंट जो प्रोजेक्ट का जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन था, तो उसने जो 7 प्रोटेक्टेड एरिया को यहाँ पे चुना था, तो उसके अंदर ये गिर जो नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये एक है। फंडेड बाय द ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी जो है इसके द्वारा ये फंड होता है एंड इम्प्लीमेंट करता है वर्ल्ड बैंक बिकॉज ऑफ इट्स यूनिकनेस इन हैविंग द ओनली पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायन। किस लिए ये होता है, क्योंकि इसका जो यूनिकनेस है यहाँ पे जो ओनली एक जो एनिमल रहता है एशियाटिक लायन, उसके वजह से ही इसको एक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के अंदर लिया गया है एंड इस एरिया को डेवलप करने का, इस एरिया को फैसिलिटेट करने के लिए जो फंड देता है वो है ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी एंड इसको इंप्लीमेंट करता है वर्ल्ड बैंक। किस लिए करता है, बिकॉज ऑफ ओनली पॉपुलेशन ऑफ एशियाटिक लायन, इसलिए ही। मालदरीज कम्युनिटी ऑफ ट्राइबल हैव बीन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गिर फॉर द लास्ट 175 ईयर्स। तो फॉर द लास्ट 175 ईयर्स यहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी रहता है वो क्या है, मालदरीज कम्युनिटी। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इस स्लाइड में हमने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज है, ओनली प्लेस फॉर एशियन लायन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है एंड किस लिए इसको बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में सिलेक्ट किया है, बिकॉज ऑफ एशियन लायन जो यहाँ पे ओनली पॉपुलेशन है इसलिए। और एक जो ट्राइबल कम्युनिटी हम यहाँ पे देखते हैं वो क्या है, मालदरीज, ये भी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। द होल एरिया ड्रेन टू द साउथ विथ 7 रिवर्स, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ का, जो 7 रिवर्स यहाँ पे ड्रेन करता है, मतलब इस एरिया से जाता है जो है 7 रिवर, वो क्या क्या है, एक है हिरन, शेत्रुंजी, दातारवादी, सिंगोदा, माछुंद्री, आम्बजल एंड रावल। ये जो 7 रिवर है ये पूरा जो गिर नेशनल पार्क है इसके अंदर से ड्रेन करके जाता है। द एरिया इज ड्रॉट प्रोन बट द रिजर्वर ऑन दिस रिवर बीइंग पेरिनियल मेंटेन द हैबिटेट। तो ये जो एरिया है मेनली ड्रॉट प्रोन एरिया है, बट फिर भी ये एरिया मतलब ड्रॉट से अफेक्टेड क्यों नहीं होता है, यहाँ पे जो रिजर्वर है जो रिवर है पेरिनियल है रिवर, तो यहाँ पे पूरा ईयर इस रिवर पे पानी रहता है, इसकी वजह से ये ड्रॉट प्रोन होके भी यहाँ पे कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम नहीं होता है, जो हैबिटेट है उसको पानी का प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं होता है, क्योंकि यहाँ से जो रिवर जा रहा है वो मेनली पेरिनियल रिवर है। टेम्परेचर वेरीज फ्रॉम 10 to 45 डिग्री सेंटीग्रेड एंड रेनफॉल फ्रॉम 1996 मिलीमीटर। तो टेम्परेचर मेनली 10 to 45 डिग्री, 10 मतलब बहुत ही कम एंड जो हाइस्ट टेम्परेचर 45, इसके अंदर ही ये टेम्परेचर रहता है एंड जो रेनफॉल है 199, ये सबसे कम एंड सबसे ज्यादा 1866 मिलीमीटर तक होता है। तो मतलब इसका रेंज जो है बहुत ज्यादा है यहाँ पे। तो इस स्लाइड में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है 7 रिवर्स जो इस प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर से जाता है। जो 7 रिवर है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 7 रिवर का नाम आपको यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है 4 रिजर्वर ऑफ द एरिया आर एट 4 डैम्स ऑन ईच ऑन हिरन, माछुंद्री एंड रावल एंड सिंगोदा रिवर। तो हमने अभी कहा ये एरिया ड्रॉट प्रोन है, फिर भी यहाँ पे पानी का प्रॉब्लम नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे पेरिनियल रिवर के ऊपर रिजर्वर है। तो रिजर्वर कौन कौन से रिवर के ऊपर है, यहाँ पे मेनली 4 रिजर्वर हम इस एरिया में देखते हैं, 4 डैम हम मेनली यहाँ पे देखते हैं। तो कौन कौन से रिवर के ऊपर हम मेनली ये 4 डैम देखते हैं,
तो फोर डैम मेनली हम देखते हैं, हिरन जो रिवर हमने पिछले स्लाइड में कहा, या फिर सेवन रिवर इस एरिया के ऊपर से ड्रेन करके जाता है। तो हिरन एक है, माचुंडी एक है, रावल एक है, सिंगोदा एक है। ये फोर रिवर के ऊपर फोर डैम यहाँ पे बनाया गया है, इंक्लूडिंग द बिगेस्ट रिजर्वर इन द एरिया कमलेश्वर डैम। तो इसके अंदर जो कमलेश्वर डैम है बिगेस्ट रिजर्वर ये है, ठीक है, बिगेस्ट रिजर्वर। तो ये है लाइफलाइन ऑफ गिर, क्योंकि ये सबसे बड़ा रिजर्वर है एंड यहां से पानी सबसे ज्यादा यहां से यूज होता है, तो लाइफलाइन है ये गिर का। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, गिर का जो लाइफलाइन ऑफ गिर एक डैम है वो कौन सा डैम है, कमलेश्वर डैम। ये कहां पे सिचुएटेड है वो भी गिर नेशनल पार्क के अंदर ही सिचुएटेड है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फोर रिजर्वर हम यहाँ पे देखते हैं, जो फोर डैम बनाया है फोर पेरेनियल रिवर के ऊपर, वो क्या क्या है, हिरन, माचुंडी, रावल एंड सिंगोदा इस रिवर के ऊपर बनाया गया है। एंड इसके अंदर कमलेश्वर डैम जो है लाइफलाइन ऑफ गिर वो भी यहाँ पे सिचुएटेड है, जो बिगेस्ट रिजर्वर है। फ्लोरा पे आते हैं अब, फ्लोरा क्या क्या है, वेजिटेशन टाइप मेनली यहाँ पे कैसा है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, मेनली ड्राई डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट हम यहाँ पे देखते हैं। इंपॉर्टेंट स्पीसीज फ्लोरा स्पीसीज के अंदर क्या क्या है, टिक, डूडलो, खेर, बेर, देसी बाबुल, धावदो, हार्मो, सादत, टिंबू, अश्रित्रो, सलेदी, मोदत, खाकरो, ये सब जो है यहाँ का इंपॉर्टेंट स्पीसीज, ट्री स्पीसीज मेनली। ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट इज एन आउटकम ऑफ डेकन ट्रप फॉर्मेशन, तो डेकन ट्रप फॉर्मेशन के वजह से ही ये जो एरिया है यहाँ पे हम ड्राई डेसिडुअस टाइप ऑफ फॉरेस्ट देखते हैं। तो डेकन ट्रप फॉर्मेशन क्या है वो हम जब पढ़ेंगे तब वहां पर डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सिर्फ नेशनल पार्क के बारे में ही डिस्कस करते हैं। तो फ्लोरा में मेनली हमने क्या देखा, मेन जो डोमिनेंट यहाँ पे वेजिटेशन टाइप है वो क्या है, ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, एंड जो इंपॉर्टेंट स्पीसीज है, ट्री स्पीसीज है, वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। तो इस स्लाइड में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो फोर डैम फोर रिवर के ऊपर बनाया गया है, एंड सबसे बड़ा जो बिगेस्ट जो रिजर्वर है वो क्या है वो भी यहाँ पे है, एंड फ्लोरा भी क्या क्या है, फ्लोरा का टाइप कैसा है वो भी यहाँ पे है। फौना, फौना में मेनली हम क्या देखते हैं यहाँ पे, फौना में प्रोमिनेंट स्पीसीज मेनली है एशियाटिक लायन। तो हमने कहा अभी एशियाटिक लायन के लिए ही ये गिर नेशनल पार्क जो है ये फेमस है। यूनिक फीचर, यूनिक फीचर क्या है वो भी एशियाटिक लायन ही है, ओनली रीजन इन एशिया विद द एशियाटिक लायन, ठीक है। तो ये तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अदर स्पीसीज के अंदर क्या क्या है, तो एशियाटिक लायन को छोड़ के और भी क्या क्या स्पीसीज हम यहाँ पे देखते हैं, लियोपार्ड, हाइना, चीतल, सांबर, ब्लू बुल एंड चौसिंगा, चिंकरा, वाइल्ड बियर, क्रोकोडाइल, लांगूर, जैकल, फॉक्स, मंगूस, ये सब बहुत सारे जो स्पीसीज है वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो स्पीसीज हम गिर नेशनल पार्क में देखते हैं वो है एशियाटिक लायन। एशियाटिक लायन इज मोस्ट मैजेस्टिक कैट विद द प्रोमिनेंट बेली फोल्ड। तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसा है, मतलब एशियाटिक लायन का जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो कैसा है, प्रोमिनेंट बेली फोल्ड, लेसर बॉडी साइज एंड बॉडी वेट डिफरेंशिएट इट फ्रॉम इट्स अफ्रीकन काउंटर पार्ट। तो अफ्रीका में जैसा है उसके साथ अगर कंपेयर करोगे तो ये कुछ अलग ही है। लायन लिव एंड हंट इन ग्रुप्स कॉल्ड प्राइड, जो लायन एक साथ रहते हैं एंड हंट भी करते हैं उसको हम प्राइड बोलते हैं, विच जनरली कंसिस्ट ऑफ एडल्ट फीमेल, देयर कॉब्स एंड प्लस ए फ्यू मेल। तो ये एक साथ मिलके रहते हैं एंड एक साथ मिलके ही हंट करते हैं। तो फौना में मेनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एशियाटिक लायन। तो एशियाटिक लायन के लिए कौन सा नेशनल पार्क फेमस है वो है गिर नेशनल पार्क, कहाँ पे सिचुएटेड है, गुजरात। आई थिंक क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम आते हैं मैप में, मैप में कहाँ पे ये गिर नेशनल पार्क सिचुएटेड है, ये गुजरात है, ये जो येलो कलर का है ये है गुजरात, गुजरात के अंदर ये रेड जो पॉइंट है ये है गिर नेशनल पार्क। इसको अगर हम डिटेल में देखेंगे तो गुजरात का ये जो गिर नेशनल पार्क है यहाँ पे ग्रीन करके दिया गया है, तो इसको बड़ा करके अगर देखोगे तो ये जो डीप ग्रीन कलर का जो एरिया है ये है नेशनल पार्क का एरिया, गिर नेशनल पार्क का एरिया, एंड लाइट ग्रीन कलर का ये जो पूरा एरिया है ये है गिर नेशनल जो गिर जो सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो है ये। तो इसका दो पार्ट है, एक है नेशनल पार्क और एक है सेंचुरी का पार्ट। तो नेशनल पार्क है डीप ग्रीन कलर के एंड लाइट ग्रीन कलर का जो है वो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो
आई थिंक आपका ये पूरा गिर नेशनल पार्क समझ में आ गया है। तो गिर नेशनल पार्क से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हो सकता है वो मेनली क्या क्या है, एक तो ये कहाँ पे सिचुएटेड है, इसका लोकेशन एरिया कब ये एस्टेब्लिश हुआ था ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है जो कौन सा ऐसा एनिमल जिसके लिए ये फेमस है, एशियाटिक लायन एशियन लायन इसके लिए ये फेमस है, ये इम्पोर्टेंट है। जो ट्राइब यहाँ पे रहता है 175 ईयर से वो ट्राइब कौन सा, जो ट्राइब कम्युनिटी है वो क्या है वो इम्पोर्टेंट है। ज्योग्राफी के अंदर जो रिवर यहाँ से जा रहा है वो तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, 7 रिवर एंड जो रिजर्वर यहाँ पे बना है वो भी इम्पोर्टेंट है। मैथ में ये कहाँ पे सिचुएटेड है ये भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट जो है आज का पार्ट है ब्लैकबक नेशनल पार्क, इसके बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। तो ब्लैकबक नेशनल पार्क इज अ नेशनल पार्क इन इंडिया लोकेटेड एट वेलावादर इन द भावनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो ये मेनली भावनगर डिस्ट्रिक्ट में ये सिचुएटेड है गुजरात के। एस्टैब्लिश्ड इन 1976, कब एस्टैब्लिश हुआ है 1976 में इन द वाल रीजियन। वाल रीजियन क्या है हम आ रहे हैं आगे, वाल रीजियन ऑफ सौराष्ट्र। द पार्क इज लोकेटेड अराउंड 42 किमी फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर सिटी ऑफ भावनगर। जो भावनगर है उनसे 42 किमी दूर ये ब्लैकबक नेशनल पार्क जो है ये सिचुएटेड है। तो कहां पे ये मेनली लोकेटेड है, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में वेलावादर करके एक जगह है जहां पे ये लोकेटेड है। ब्लैकबक नेशनल पार्क इज सब ट्रॉपिकल ग्रासलैंड विद शार्वलैंड। इट इज लोकेटेड नियर द वेस्टर्न शोर ऑफ द गल्फ ऑफ खाम्बर इन द वाल रीजियन ऑफ गुजरात। तो ये मेनली सब ट्रॉपिकल जो ग्रासलैंड है एंड वो ही है मेनली इसका जो वेजिटेशन टाइप, एंड इज लोकेटेड नियर द वेस्टर्न शोर ऑफ द गल्फ ऑफ खाम्बर इन द वाल रीजियन। तो वाल रीजियन के वेस्टर्न पार्ट एरिया में, ये गल्फ ऑफ खाम्बर के वेस्टर्न पार्ट एरिया में जो वाल रीजियन है वहां पे मेनली ये सिचुएटेड है। तो इस स्लाइड से इंपॉर्टेंट जो चीज है वो मेनली क्या क्या है, कहाँ पे सिचुएटेड है, कौन सा स्टेट कौन सा डिस्ट्रिक्ट एंड भावनगर से कितने दूर में ये सिचुएटेड है, कौन से रीजियन में ये सिचुएटेड है। वाल रीजियन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। द वाल रीजियन ये मेनली क्या है, द वाल लिटरली मीनिंग फोरहेड जिसका मीनिंग है। इट इज अ फ्लैट एलुवियल प्लेन मेड अप ऑफ ए मोजाइक ऑफ क्रॉपलैंड सैलाइन वाटरलैंड ग्रेजिंग ग्रासलैंड एंड मार्शेस। तो ये मेनली एक एलुवियल प्लेन एरिया है, एलुवियल प्लेन। एलुवियल प्लेन एरिया है जहां पे क्या है, क्रॉपलैंड भी है, सैलाइन वाटरलैंड भी है एंड ग्रेजिंग ग्रासलैंड मार्शेस ये सब है। द प्राइम गोल ऑफ दिस प्रोटेक्टेड एरिया आर टू कंजर्व द मोस्ट प्रोमिनेंट सर्वाइविंग हर्ड ऑफ ब्लैकबक। तो इसका जो इंपॉर्टेंट जो चीज है ब्लैकबक नेशनल पार्क का, जिसके लिए ये नेशनल पार्क बना है मेनली, तो किसको कंजर्व करने के लिए बना है, ब्लैकबक, इंडियन ग्रे वुल्फ, द लेसर फ्लोरिकन। ठीक है, ये तीन जो इंपॉर्टेंट एनिमल है इसको कंजर्व करने के लिए ही ये ब्लैकबक नेशनल पार्क बना है। दिस इज द ओनली ग्रासलैंड प्रिजर्व्ड इन द वाल एरिया। तो ये एक ओनली एक ग्रासलैंड है जो ये वाल एरिया में बना है। तो यहां से जो इंपॉर्टेंट चीज है इस स्लाइड से, जो वाल रीजियन जो हमने कहा है अभी जहां पे ये सिचुएटेड है वो मेनली क्या है, एक एलुवियल प्लेन एरिया है जहां पे क्रॉपलैंड भी है, सैलाइन वाटरलैंड भी है, ग्रेजिंग ग्रासलैंड भी है एंड मार्शेस भी है। एंड ये जो नेशनल पार्क है ये मेनली बना है किस लिए, किसको कंजर्व करने के लिए, ब्लैकबैक इंडियन जो ग्रे उल्फ है एंड लेसर फ्लोरिकन इसको कंजर्व करने के लिए ही ये नेशनल पार्क मेनली बना है। एंड दिस इज द ओनली ग्रासलैंड दैट प्रिजर्व्ड इन द वाल एरिया। तो वाल एरिया का ये एक ओनली ग्रासलैंड एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में आते हैं। अब क्लाइमेट कैसा है इसका, ये जो नेशनल पार्क है इसका क्लाइमेट कैसा है, प्रिसिपिटेशन कैसा है। यहाँ पे मैक्सिमम प्रिसिपिटेशन ऑकर ड्यूरिंग मॉनसून फ्रॉम जून टू मिड सेप्टेम्बर। टेम्परेचर 37 to 45 degrees centigrade तक टेम्परेचर का रेंज है। हॉट विंड कॉल्ड लू स्वीप द हार्ड बेक्ड अर्थ ड्यूरिंग समर टाइम एंड डस्ट स्टॉर्म विंड डस्ट डेविल ये सब भी होता है। मतलब समर यहाँ पे बहुत कुछ होता है, जैसे डस्ट स्टॉर्म भी होता है, डस्ट डेविल भी होता है एंड लू भी यहाँ पे होता है समर में। मिरर्स फॉर्म एज अर्ली एज 2 to 3 hours आफ्टर सनराइज एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द डे इन टू द लेट आफ्टरनून। तो मिरर्स जो है वो फॉर्म होता है सनराइज के 2
2-3 आवर्स के बाद ही एंड लेट आफ्टरनून तक वो कंटिन्यू होता है। तो क्लाइमेटिक कंडीशन यहाँ पे अगर देखा जाए तो मेनली हॉट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन इस जगह पे है। समर में तो बहुत ज्यादा है, जैसे लू भी बहता है एंड डस्ट स्ट्रॉन्ग भी होता है। द वाल रीजन इज ससेप्टेबल टू ड्रॉट एंड फ्लड ड्यू टू इट्स टोपोग्राफी। तो यहाँ पे ड्रॉट भी हम देखते हैं एंड फ्लड भी हम देखते हैं क्योंकि इसका टोपोग्राफी एरिया कुछ ऐसा ही। इसलिए साइक्लोन ऑकेशनली स्ट्राइक द कोस्ट ऑफ सौराष्ट्र, साइक्लोन भी हम इस जगह पे ऑकेशनली देखते हैं। फ्लोरा मेनली क्या क्या है, 4 टाइप ऑफ हैबिटेट आर फाउंड, मेनली ग्रासलैंड, शावलैंड, सैलाइन लैंड एंड टाइडल मार्ट फ्लड। ये 4 टाइप ऑफ हैबिटेट हम फ्लोरा में मेनली देखते हैं। ग्रासलैंड कवर 60.9% एरिया ऑफ द पार्क। तो हमने कहा अभी ये है ओनली ग्रासलैंड एरिया ऑफ वाल रीजन, तो इसलिए ये यहाँ पे ग्रासलैंड का जो पार्ट है ये सबसे ज्यादा है, 60.9% एरिया ऑफ द पार्क एंड 39 स्पीसीज ऑफ ग्रासेस हम यहाँ पे देखते हैं। 39 टाइप ऑफ स्पीसीज ऑफ ग्रासेस हम यहाँ पे मेनली देखते हैं। शावलैंड कितना है, 15% ऑफ द एरिया। सैलाइन लैंड एंड टाइडल मार्ट फ्लो कवर 17% ऑफ टोटल एरिया। तो सैलाइन लैंड एंड टाइडल जो मार्ट फ्लो लैंड है वो 17% एरिया कवर करता है। शावलैंड 15% एरिया कवर करता है। ग्रासलैंड 60.9% एरिया कवर करता है। नेक्स्ट है 7% एरिया अकाउंट फॉर बाय रोड्स एंड हैबिटेशन। तो हैबिटेट यहाँ पे जो है एंड रोड जो है उसके लिए 7% एरिया गया एंड प्लांट ग्रोथ इन द रीजन इज रेस्ट्रिक्टेड टू द मॉनसून एंड अर्ली विंटर। तो प्लांट का ग्रोथ यहाँ पे रेस्ट्रिक्टेड है कौन कौन से सीजन में, मॉनसून में एंड अर्ली विंटर में। क्रॉप्स आर डिपेंडेंट ऑन रेन एज द ग्राउंड वाटर इज सलाइन। क्रॉप्स मेनली यहाँ पे रेन के ऊपर ही डिपेंड करता है क्योंकि यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो उसका टाइप है सैलाइन टाइप ऑफ, इसलिए ग्राउंड वाटर से पानी लेके वो कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए जब रेन होगा तभी यहाँ पे क्रॉप होगा। तो इसलिए ये रेन के ऊपर ही मेनली डिपेंडेंट है। तो फ्लोरा में हमने क्या क्या देखा, मेनली जो 4 टाइप ऑफ हैबिटेट हम फ्लोरा में देखते हैं, एक है ग्रासलैंड, शावलैंड, सैलाइन लैंड एंड टाइडल मार्ट फ्लो। किसका परसेंटेज कितना है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया। एंड फौना में अब आते हैं इंपॉर्टेंट एनिमल जो है ब्लैक बक है। ब्लैक बक को कंजर्व करने के लिए ही ये नेशनल पार्क जो है ये मेनली बना था। तो ब्लैक बक तो इंपॉर्टेंट एनिमल है ही। ब्लू बिल, उल्फ, जैकल, कैट, फॉक्स एक्सेट्रा, ये सभी इंपॉर्टेंट एनिमल। इंपॉर्टेंट बार्ड जो है वो क्या क्या है, लेसर फ्लोरिकन, हॉबरा बास्टर्ड, व्हाइट स्टोक, हैरियर्स, सोरस, क्रेन्स, ये सब है इंपॉर्टेंट बार्ड जो हम यहाँ पे देखते हैं। तो फौना में इंपॉर्टेंट क्या है, ब्लैक बक है। नेक्स्ट हम आते हैं मैप में। तो मैप में ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये ब्लैक बक नेशनल पार्क आप दिख रहे हो इस जगह पे, आपको दिख रहा है ये जो एरिया है ये है ब्लैक बक नेशनल पार्क। उसके साइड में ही यहाँ पे है गिर नेशनल पार्क जो हमने आज डिस्कस किया। तो आज हमने गिर नेशनल पार्क एंड ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये दो नेशनल पार्क के बारे में डिस्कस किया है। ब्लैक बक नेशनल पार्क से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है वो क्या क्या है, लोकेशन, एरिया, कौन से रीजन में ये सिचुएटेड है एंड वेजिटेशन टाइप क्या है, मेनली ग्रासलैंड टाइप ऑफ वेजिटेशन हम यहाँ पे देखते हैं, कौन से एनिमल को ये कंजर्व करने के लिए बना है ये इंपॉर्टेंट है। तो एंड गिर नेशनल पार्क का जो इंपॉर्टेंट चीज है वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है। गिर में मेनली एशियाटिक लायन इसको कंजर्व करने के लिए ही गिर नेशनल पार्क बनाया था एंड ब्लैक बक इस एनिमल को कंजर्व करने के लिए ब्लैक बक नेशनल पार्क बनाया था। आई थिंक दो नेशनल पार्क का इंपॉर्टेंट जो चीज है वो आपको समझ में आ गया है एंड मैप में भी हमने डिस्कस किया कहाँ कहाँ पे ये सब सिचुएटेड है। तो आज का पार्ट यही तक ही है। इफ दिस वीडियो इज हेल्पफुल टू यू देन प्लीज सब्सक्राइब रूम टू ज्योग्राफी। मिलते हैं और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।